राजस्थान में फिल्म पद्मावत को बैन कर दिया गया है। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी में दो फाड़ हो गया है। एक तरफ राजस्थान में इस फिल्म को बैन कर दिया गया तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश से बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि किसी को भी प्रजातांत्रिक तरीके से विरोध करने का अधिकार है, लेकिन अगर किसी की भावनाओं को ठेस न पहुँचा हो तो फिल्म रिलीज होने में कोई परेशानी नहीं है। अगर सेंसर बोर्ड ने सबको दिखाने के बाद फिल्म को स्वीकृति दे दी है तो करणी सेना को अपने फैसले पर विचार करना चाहिए। वहीं राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया का कहना है कि इस फिल्म को रिलीज करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सूत्रों के अनुसार राजपूत समाज के नेता सुखदेव सिंह गोगा मिंडी ने कहा कि केवल नाम बदलने से बदलाव आ जाता तो पेट्रोल का नाम बदलकर गंगा जल रख देंगे और इसी गंगा जल को छिड़क कर जिन सिनेमा घरों में पद्मावत रिलीज होगी वहां हम आग लगा देंगे। राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ये फिल्म रिलीज की गई तो हर एक सिनेमा घर में राजपूत कर्फ्यू लगेगा। राजपूतों की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर अगर कोई भी फिल्म आप रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं तो हर सिनेमा घर पर कर्फ्यू लगाया जाएगा। वहीं इस बीच खबर आ रही कि फिल्म पद्मावती का नाम बदलकर पद्मावत कर दिया गया है और आगामी 25 जनवरी को फिल्म देश भर के सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है।